করে, হাওড়ে যেতে পছন্দ করে, সাঁতার কাটতে কে না পছন্দ করে। মানে মানুষ আসলে সবসময় কিউরিসিটি থাকে, অসাধারণ একটা জায়গা। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছু রিয়েকশনে। আমরা চলে এলাম আবার আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও রিয়েকশন দেওয়ার জন্য। তো আজকে আমরা যে ভিডিও দেখবো সেই ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে বিউটিফুল প্লেস হোয়ার ওয়াটার ইজ কমপ্লিটলি ক্লিয়ার। তো আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি টপ 10 হিন্দি ইউটিউব চ্যানেল থেকে। তো তাদের ভিডিওগুলো সবসময় সুন্দর হয়, তো এবারও ভিডিওটা নিশ্চয়ই ওরকম সুন্দর হবে। আর পানি যেহেতু আমাদের সবারই খুব প্রিয় একটা জিনিস, সবাই সাঁতার কাটতে পছন্দ করে, জলে খেলতে পছন্দ করে, আর এটা আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ পানি ছাড়া আমরা কেউ চলতে পারি না। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। 10 beautiful places where water is completely clear। 10 खूबसूरत जगह है जहाँ पानी शीशे की तरह साफ है। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारी पृथ्वी की लगभग 71% सतह पानी से ढकी हुई है, लेकिन इस 71% पानी में सिर्फ 2.5% पानी ही पीने के योग्य है और बाकी का पानी खारा है। हमारी पृथ्वी पर पानी समुद्र, नदियों, झीलों और ग्लेशियर आदि के रूप में पाया जाता है, जहाँ ज्यादातर जगहों पर जमा हुआ पानी इतना साफ नजर नहीं आता। तो वहीं पृथ्वी पर पानी के कुछ ऐसे जलाशय भी मौजूद हैं जहां पानी शीशे से भी ज्यादा साफ और पारदर्शी नजर आता है। और आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे जहां पानी शीशे की तरह साफ नजर आता है। चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, यूनान की मेलिसानी झील। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्रीस यानी यूनान दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही ये अपने ऐतिहासिक स्थानों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और ग्रीस के कैफालोनिया आइलैंड पर स्थित मेलिसानी झील अपनी सुंदरता और साफ पानी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस झील का पानी इतना साफ है कि इसको दुनिया की सबसे साफ पानी वाली झीलों में शुमार किया जाता है। हालांकि इस झील को साल 1951 में खोजा गया था, लेकिन बताया जाता है कि ये झील लगभग 20,000 साल पुरानी है और शुरुआत में ये झील पूरी तरह अंडरग्राउंड होती थी। यूनान की एक दंत कथा के अनुसार इस झील का नाम मेलिसानी एक अप्सरा के नाम पर रखा गया, जिसने देवता द्वारा ठुकराए जाने पर इस झील में अपनी जान दे दी थी। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस खूबसूरत जगह को अपनी आंखों से निहारने के लिए यूनान पहुँचते हैं। नंबर 9, एम्बरग्रिस कई आइलैंड। प्रत्येक वर्ष 13 लाख से अधिक लोग घूमने और छुट्टियां मनाने के लिए बेलीज पहुंचते हैं और बेलीज के अंदर जो चीज़ इन पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है एम्बरग्रिस काई आइलैंड। कैरेबियन सागर के उत्तर पूर्व में स्थित एम्बरग्रिस काई बेलीज देश का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये आइलैंड लगभग 40 किलोमीटर लंबा और 1.6 किलोमीटर चौड़ा है। पर्यटकों के इस आइलैंड पर जाने का मुख्य कारण यहाँ के साफ पानी में स्क्यूबा डाइविंग करना होता है। इस जगह पर समुद्र का पानी शीशे की तरह साफ और लोग इस पानी में गोता लगाकर समुद्र के अंदर की अद्भुत दुनिया को निहारते हैं। विशाल आइलैंड होने के साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम भी कहलाता है। नीले रंग के इस साफ पानी में हर साल लगभग 40,000 लोग स्क्यूबा डाइविंग करते हैं और इसलिए स्क्यूबा डाइविंग करने वाले शौकीनों के लिए ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जगह भी मानी जाती है। नंबर 8, प्लिटविस लेक्स नेशनल पार्क। साल 1949 में खोजा गया प्लिटविस लेक्स नेशनल पार्क क्रोएशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से भी एक है और क्रोएशिया के साथ ही ये पूरे दक्षिण पूर्व यूरोप के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। ये जगह देखने में इतनी खूबसूरत है कि लोग इसको एक बार देखकर इससे अपनी नजर तक नहीं हटा पाते। 70,000 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क के अंदर बेहद सुंदर दिखने वाली 16 झीलें और झरने मौजूद हैं। इन झीलों और झरनों का पानी मोती की तरह साफ है। प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए पूरी दुनिया से हर साल 10 लाख से अधिक लोग क्रोएशिया पहुंचते हैं। इस जगह पर मौजूद झीलों के पानी का रंग समय समय पर बदलता रहता है, जो इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये जगह इतनी सुंदर है कि साल 1979 में यूनेस्को द्वारा इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। नंबर 7, जियूझाइगो। जियूझाइगो दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित एक प्रकृति द्वारा संरक्षित नेशनल पार्क है। चीन की एक खूबसूरत जगह अपने अद्भुत दिखने वाले झरनों और विशाल पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक चीज जो इस जगह को सबसे खास बनाती है वो है इसमें पाई जाने वाली साफ पानी की झीलें। इन्हीं साफ पानी की झीलों को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस जगह पर पहुंचते हैं। इस जगह पर एक या दो नहीं बल्कि 114 अलग अलग रंगों की झीलें मौजूद हैं। इन खूबसूरत झीलों को इनके 5 अलग अलग रंगों के कारण 5 फ्लावर लेक का नाम दिया गया है। देखने पर ये झीलें किसी स्वर्ग की तरह सुंदर नजर आती हैं और इनका पानी इतना साफ है कि झील के अंदर सब कुछ साफ साफ नजर आता है। साल 1992 में यूनेस्को द्वारा इस जगह को विश्व विरासत स्थल व साल 1997 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इस जगह घूमने जाने के लिए अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। पुपू स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि वाटर स्प्रिंग्स एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पानी भूमिगत स्रोत से ऊपर की तरफ निकलता है और फिर इस तरह से पानी निकलने के कारण स्थान पर पानी का एक बेसिन या प्रवाह बन जाता है और इस स्थान को वाटर स्प्रिंग्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में स्थित पुपू स्प्रिंग्स न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी साफ पानी की स्प्रिंग्स हैं। इसके साथ ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ठंडी पानी की स्प्रिंग्स भी हैं। इस जगह पर धरती से निकलने वाले साफ पानी की रफ्तार 14,000 लीटर प्रति सेकंड है, जो अपने आप में एक कमाल की बात है। इस जगह का पानी इतना साफ है कि इसमें देखने पर 63 मीटर नीचे तक सब कुछ साफ नजर आता है और देखने पर ये जगह किसी स्वर्ग की तरह सुंदर नजर आती है। नंबर 5, न्यूजीलैंड की नीली झील। ब्लू लेक। न्यूजीलैंड की ब्लू लेक यानी नीली झील को दुनिया की सबसे साफ पानी वाली झील का खिताब दिया गया है। ये बेहद खूबसूरत झील न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर स्थित मेलिसानी लेक्स नेशनल पार्क में मौजूद है। साल 2011 में इस झील के पानी का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था, जिसका नतीजा ये निकला कि इसको दुनिया की सबसे साफ पानी वाली झील मान लिया गया। इस झील की गहराई में 262 फीट की गहराई तक सब कुछ साफ नजर आता है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। झील का पानी इतना साफ होने के कारण यहाँ के जंगलों में रहने वाले माउरी ट्राइब के लोग इसको पवित्र मानते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस झील में गोता लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इसकी सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 4, अमेरिका की फ्लैट हेड लेक। अमेरिका राज्य मोंटाना के उत्तर पश्चिम में स्थित फ्लैट हेड नाम की ये झील पश्चिमी अमेरिका की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है और ये झील अपने बेहद साफ और पारदर्शी पानी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस झील का पानी इतना साफ है कि यहाँ नाव में तैरते हुए लोग की फोटो देखकर लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं। ये जगह इतनी सुंदर है कि जब लोग इसकी फोटो या सीनरीज देखते हैं तो उन्हें ये जगह वास्तविक नहीं लगती। बताया जाता है कि ये झील असल में विसोन नाम की एक बेहद विशाल झील का अवशेष है, जो 13,000 साल पहले यहाँ मौजूद थी। इस विशाल झील की गहराई 370 फीट है और ये दुनिया भर की साफ पानी की झीलों में सबसे बड़े और गहरे आकार की झील कहलाती है। इस झील के साफ पानी का राज इसके चारों तरफ मौजूद विशाल बर्फीले पहाड़ हैं। इन्हीं बर्फीले पहाड़ों के पिघलने पर इस झील के अंदर साफ पानी जमा होता है। नंबर 3, पालवान आइलैंड ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और फिलीपींस का पालावान आइलैंड उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करता है। इस आइलैंड का उत्तर पश्चिम किनारा दक्षिण चीन सागर व दक्षिण पूर्व किनारा सुलु समुद्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये आइलैंड इतना खूबसूरत है कि साल 2016 में इसको विश्व का सबसे खूबसूरत आइलैंड घोषित कर दिया गया था। ये आइलैंड अपने बेहद साफ सुथरे पानी और वन्य जीवों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक और चीज जो इस जगह को अद्भुत बनाती है वो है इसके समुद्र तल में डूबे हुए 12 जापानी पानी के जहाज, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ डूब गए थे। स्क्यूबा डाइविंग करने वाले लोग इस साफ सुथरे पानी में इन ऐतिहासिक जहाजों का नजारा लेने के लिए गोता लगाते हैं। हर साल लगभग 10 लाख लोग इस सुंदर जगह का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 2, रियो साकुरी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अमेज़न ब्राजील की सबसे प्रसिद्ध नदी है और इस बात पर भी कोई शक नहीं कि अमेज़न दुनिया की सबसे अद्भुत नदियों में से एक है। लेकिन बात जब ब्राजील की रियो सुकुरी अमेज़न नदी से कहीं ज्यादा आगे निकल जाती है। ये खूबसूरत जगह ब्राजील की राजधानी से 4 घंटे के सफर की दूरी पर स्थित बोनिटो नामक एक छोटे से कस्बे में मौजूद है। जंगल के बीचों बीच प्रकृति द्वारा बनाया गया ये खूबसूरत जल कुंड देखने में बेहद अद्भुत नजर आता है। इस जल कुंड का पानी इतना साफ है कि इसमें तैरने वाली मछलियां और अन्य जीव ऊपर से देखने पर ही बड़ी आसानी से नजर आ जाते हैं। बताया जाता है कि इस विशाल जलकुंड में 60 फीट की गहराई तक सब कुछ साफ नजर आता है। ब्राजील जाने वाले पर्यटकों के लिए ये एक प्रसिद्ध जगहों में से एक है और ब्राजील की सरकार ने इस खूबसूरत जगह को संरक्षित करने के लिए इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। नंबर 1, ऑस्ट्रियाज ग्रीन लेक। ये खूबसूरत झील ऑस्ट्रिया के स्टीरिया राज्य में स्थित ट्रेबॉग नामक एक छोटे से गाँव में मौजूद है। ये झील चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है और इसका नाम ग्रीन लेक यानी हरी झील इसके हरे रंग के पानी के कारण रखा गया है। इस झील में मौजूद हरे रंग का खूबसूरत पानी किसी शीशे की तरह साफ और पारदर्शी है। झील को यह साफ पानी कास्ट नामक के पहाड़ों पर मौजूद बर्फ के पिघलने पर प्राप्त होता है, इसलिए सर्दी के मौसम में इस झील के पानी का स्तर काफी कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और इस झील का पानी फिर से बढ़ जाता है। एक समय यह झील गोताखोरों के लिए एक पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन साल 2016 में यहाँ गोताखोरों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना था कि गोताखोरों की वजह से इस झील का पानी अपनी स्पष्टता को खोने लगा था। ठीक है दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 ऐसी अद्भुत जगहें जहाँ पानी शीशे की तरह साफ और बेहद सुंदर नजर आता है। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे सुंदर लगी, हमें कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। আমরা আসলে পানির সবগুলো প্লেস আসলে খুব পছন্দ করি, যেমন আমরা সাগর পাড়ে যেতে পছন্দ করি, হাওরে যেতে পছন্দ করি, তাছাড়া আমরা বিল এবং ঝিলেও যেতে পছন্দ করি এবং কখনো কখনো মানুষজন কিন্তু পুকুর পাড়ে অনেকক্ষণ বসে আড্ডা দেয়। গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু এটা খুবই হয় যে আমরা পুকুর পাড়ে পুকুরে চারপাশে গাছপালা থাকে, সেখানে মানুষ বসে গরমের দিনে না বসে বসে সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করে, গল্প করে, এটা খুব একটা আনন্দ করার মতো অবস্থা থাকে। এবং ওই পুকুরের পাড়ে যখন বসে সবাই আড্ডা দেয় তখন কিন্তু যতই গরম থাকুক না কেন একটা ঠান্ডা একটা ভাব চলে আসে, ঠান্ডা একটা ভাব থাকে। আর পুকুর পাড়ে তো আমাদের নরমালি আমাদের দেশে দেখা যায় যে অনেক গাছপালা থাকে। আমাদের দেশে কি আমরা বলবো যে ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টালে কিন্তু এরকম আসলে পুকুর পাড়েগুলোতে গাছ থাকে, মানুষ একটু তারপরে পুকুরের যে সিঁড়ি থাকে বিভিন্ন পানির যে জায়গাগুলো আছে যেগুলো পরিষ্কার সেগুলোকে বিভিন্ন র্যাঙ্কিং দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে লাস্টে আমরা যেহেতু 10টা দেখেছি, 10টার মধ্যে লাস্টের দিক থেকে যদি শুরু করি তাহলে হচ্ছে গ্রিসের সেই লেকটা, যেখানে হচ্ছে একটা রোমাঞ্চকর গল্প আছে, একটা ওদের ইতিহাস আছে যে পরীর নামে রাখা হয়েছে, একজন পরীর নামে রাখা হয়েছে অথবা ওটা কোনো রাজকুমারী ছিল যে কিনা ওখানে মারা যায়, এরকম গল্প থেকে মিলিসানি নামে ওই লেকটার নাম করা হয়েছে। এবং প্রচুর মানুষ যায় প্রত্যেক বছর ওখানে দেখা মানে ওই লেকের পানি দেখার জন্য। এবং তাছাড়া হচ্ছে এর পরবর্তী ছিল ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডে, 40 কিলোমিটার লম্বা। হ্যাঁ, এটা আসলে অনেক বড় একটা জায়গা না, অনেক বড় একটা জায়গা, এত বড় জায়গা অনেক লোক হবে নিশ্চয়ই, যে প্রত্যেক বছর অনেক লোক আসবে ওখানে। মানে আর সাঁতার কাটতে কে না পছন্দ করে, যারা না পারে তারাও হয়তো অনেক সময় পানির মধ্যে কিন্তু নেমে যায়, যতটুকু পারে সে ততটুকুই হাঁটা কাটে। ওখানে তো সাঁতার কাটার জন্য তুমি স্কুবা ডাইভিং যখন করছো তখন তো অক্সিজেন নিয়েই যাচ্ছ। আর তাছাড়া মনে হয় ওখানে শেখায়, বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি যে শেখানোর পরে মানে টিচার সহ ওখানে নামে। হ্যাঁ, ওখানে হচ্ছে আসলে গাইড তো সাথে থাকেই, যে গাইড গিয়ে তোমাকে দেখাবে যে তুমি এদিকে যাও ওদিকে যাও, গ্রুপ সহ একসঙ্গে যায়। এবং তারপর হচ্ছে ঋত্বিকের একটা মুভিতে মনে হয় আমরা এরকম দেখেছিলাম যে সে হচ্ছে স্কুবা ডাইভিং শেখায় এবং একসঙ্গে সে যায়, ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে একটা মুভি ছিল। তো এটা আসলে কিন্তু খুবই এনজয়েবল আমার কাছে মনে হয়, যারা পানির নিচে যে দেখতে চায় তাদের কাছে কিন্তু আরো খুব ইন্টারেস্ট লাগে এই জিনিসগুলো। তারপর হচ্ছে পালিটিভ আইসল্যান্ড ছিল একটা, হ্যাঁ একটা লেক ছিল অনেক সুন্দর। তারপর হচ্ছে চায়নার যে লেকটা ছিল অনেক সুন্দর, চায়নার লেকটা সুন্দর। তবে সবচেয়ে আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে ফিলিপাইনের যেটা, সেটা কিন্তু অনেক সুন্দর যে আইল্যান্ডটা। হ্যাঁ, একটা মানুষ যে সাঁতার কাটছিল তাকে আসলে বুঝাই যাচ্ছিল না যে সে পানিতে সাঁতার কাটছে না বাতাসে ভাসতেছে। এবং সেখানের পানিও এত পরিষ্কার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সমস্ত জাপানি জাহাজগুলো যুদ্ধে বিভিন্ন প্রবলেম হয়ে পানিতে ডুবে গিয়েছিল, যারা স্কুবা ডাইভিং করতে যায় সেখানে ক্লিয়ার পানিতে এগুলো দেখার জন্য যায়। আমরা যেমন আসলে জাদুঘরগুলোতে যাই জিনিস দেখার জন্য, হ্যাঁ পুরাতন জিনিস দেখার জন্য, এরকম সেটা হচ্ছে পানির নিচে জাদুঘর বলা যেতে পারে, যেটা হচ্ছে ফিলিপাইনে। এরকম আসলে মানে মানুষ আসলে সব সময় কিউরিওসিটি থাকে একটা অন্যরকম জিনিস দেখার জন্য, তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জিনিসের জন্য তারা মানুষের আকর্ষণটা একটা হিস্ট্রি দেখার জন্য। জন্য তাছাড়া ইসের যে পানিগুলো ছিল নিউজিল্যান্ডে যে দুইটা জায়গা ছিল একটা হচ্ছে ওয়াইকুরুগু তারপর হচ্ছে গিয়া ব্লু লেক এবং দুইটা জায়গা কিন্তু খুব সুন্দর এবং দুইটা হচ্ছে সাউথ নিউজিল্যান্ডে এবং ব্লু লেকের যে ওয়াটার সেটা কিন্তু 60 ফিট মোর দ্যান প্লেস পর্যন্ত দেখা যায় এবং ওখানকার মানুষজনই হচ্ছে ওই পানি পরিষ্কার রাখার জন্য তাদের যে ধরনের ফর্মুলা আছে কিংবা মানুষজনকে প্রোটেক্ট করছে যে তোমরা এখানে নেমো না এই পানিটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে আসলে কি যে পানিতে নামলে কিন্তু অনেক বেশি লোক নামলে কিন্তু আসলে ময়লা হয় আর সব মানুষ সচেতন না সো সামহাও তারা নোংরা করে ফেলে তো যার কারণে হয়তো সেখানকার যারা উপজাতি বা ওখানকার যারা থাকে আদিবাসী স্থানীয় যারা তারা হয়তো চায় যে না আমার এই জায়গাটার পানিটা এত স্বচ্ছ সুন্দর তো এটা যেন সৌন্দর্য বজায় থাকে সেজন্য চায় না যে অন্য কাউকে সেখানে আসতে দেওয়ার জন্য যেমন আমাদের সেন্ট মার্টিনে কিন্তু অনেক মানুষ ঘুরতে যায় এবং দেখা যায় যে বোতল প্লাস্টিক তারপরে চিপসের প্যাকেট এগুলো একদম পরিবেশটাকে নষ্ট করে ফেলে তো সেই কারণে মাঝখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট একটু রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছিল যে লিমিটেড লোকজন যাবে তো সেরকম দেখা যায় যে ওখানকার লোকজন এরকম আমার মনে হয় যে তাদের জন্য একটা তারা ওইভাবে একটা রুলস করে নিচ্ছে তাছাড়া এরপর ছিল হচ্ছে লাস্ট প্রথম দিককার ইয়ে ছিল যে রিওতে মানে হচ্ছে ব্রাজিলের রাজধানী রিও থেকে 4 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে একটা লেক এবং সেই লেকটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল আর ফার্স্ট লেক যেটা ছিল অস্ট্রিয়াতে যেটা হচ্ছে গ্রিন লেক এটা কিন্তু অনেক সুন্দর আর গ্রিন লেকের পিকচার আমি মনে হয় যে কম্পিউটারের মাঝে মধ্যেই দেয় স্ক্রিন সেভারে আর তাছাড়া আমি কিছু ওয়ালপেপারে দেখেছি ক্যালেন্ডারের ভিতরে দেখেছি অসাধারণ একটা জায়গা আমার কাছে মনে হয় এবং ওখানে যেটা হচ্ছে যে মানুষজন ওখানে যেত এবং ওখানে সুইমিং করতো এই কারণে লেকের পানি নষ্ট হচ্ছিল সেই জন্য কিন্তু ওখানকার যে স্থানীয় গভর্নমেন্ট আছে ওই লেকে সুইমিং করা এবং ওই লেকে নামা কিন্তু ব্যান্ডেড করে রেখেছে সো আমার কাছে মনে হয় আমাদের আজকে ভিডিও আপনাদের পছন্দ হয়েছে আর আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর সাথে সতর্ক থাকবেন যারা পানিতে যান গোসল করতে বা সাঁতার কাটতে অবশ্যই জায়গাগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবেন জায়গাটা ব্যান্ডেড কিনা কেননা কোন পানিতে কোন ধরনের প্রবলেম আছে সেটা আমরা আসলে জানি না সো আমরা যেখানেই যাবো না কেন আশেপাশ থেকে জেনে নেব যে এই পানিতে নামা যাবে কিনা এই পানিতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সুন্দর পানি দেখে আসলে সেখানে নেমে যাওয়া যাবে না যাওয়াটা ঠিক হবে না হ্যাঁ তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়।